इसके अंतर्गत आपको काफी सारे कम यहाँ पे रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है पीआर लेने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे इंडियंस पीआर के लिए ट्राई कर रहे होते हैं कनाडा में और जनरली नहीं हो पा रहा होता है, तो उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर से आया है। सो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो रहेगा, सो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्बर्टा का पीएनपी प्रोग्राम भी चलता है, तो जिसमें कि रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हाई होती है कि जनरली हम लोग क्वालिफाई कर नहीं पाते, जैसे खास करके लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट यहाँ पे अल्बर्टा में एक नई स्ट्रीम निकाली गई है जिसको कि कहा जा रहा है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम। इसके अंतर्गत आपको वहाँ पे जाने को मिल सकता है और अच्छी खासी यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे पीआर हो जाए, मतलब आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट के तौर से रह भी सकते हैं। बस आपको कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो कि आपको पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं देन आपको यहाँ पे पीआर होने के चांसेस पूरे 100% हैं। सो यहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ, तो आपको बता देता हूँ कि क्या क्या करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकें। सो सबसे पहली चीज़ है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आप ऑलरेडी कैनेडा में हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे कई सारे इंडियंस पहले से ही जाके वहाँ पे हैं, या फिर आप वर्क परमिट पे वहाँ पे पहले से हैं, देन आपका रेसिडेंशियल स्टेटस वहाँ का होगा। तो यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस दिखाना पड़ेगा और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं, या फिर आपके पास एक वर्क परमिट है, और या फिर अगर आप अभी अभी अप्लाई कर रहे हैं देन आपके पास एक LMI लेटर है जिसके बिहाफ पे आप मतलब कनाडा जाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी रेसिडेंशियल अपना स्टेटस दिखाने के लिए। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इंडियन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पे काफ़ी कम मांगा गया है। जी हाँ, आप सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे, क्योंकि CLB Level 4 मांगा गया है, मतलब IELTS में अगर आप 4 भी ले आते हैं देन ऑल्सो आप एलिजिबल हैं। हाँ, लेकिन ईच बैंड में 4 होने चाहिए। और यहाँ पे और एक चीज़ बोली गई है कि June 2019, मतलब ये एक साल इसके अनाउंस होने के बाद ये जो रिक्वायरमेंट है ये शायद बढ़ाई जाएगी और CLB Level 5 मांगा जाएगा, जो कि काफ़ी कम है फिर भी। तो यहाँ पे आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको कि आप एनकैश कर सकते हैं और जा सकते हैं कनाडा विथ मिनिमम IELTS बैंड। सो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इतने कम बैंड में आपको कनाडा का पीआर मिल रहा है, तो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और CLB Level 4 चाहिए अभी, तो हो सके तो इसी साल अप्लाई कर दीजिए ताकि आप मतलब इस जो कम रिक्वायरमेंट है बैंड की IELTS में उसमें आप क्लियर होकर के आगे अपना फाइल प्रोसेस करवा सकें। और यहाँ पे जो एजुकेशन मांगा गया है उसके बारे में अगर हम बात करें देन एजुकेशन यहाँ पे HSC मांगा गया है, मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे मांगा गया है, मतलब मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए, लेकिन ये कैनेडियन लेवल के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने 12th कनाडा से ही पास किया उनको कोई क्रेडेंशियल एसेस करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो ओवरसीज स्टूडेंट हैं उनको अपना क्रेडेंशियल एसेस करवाना ही करवाना है। और जब क्रेडेंशियल एसेस करवाते हैं तब अगर 12th एजुकेशन दिखाता है देन ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए। साथ ही यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, वो है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे कम से कम 12 मंथ का होना चाहिए अल्बर्टा में। अगर आप ऑलरेडी हैं जॉब कर रहे हैं तो अल्बर्टा का 12 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप अल्बर्टा में नहीं हैं, कनाडा के दूसरे किसी हिस्से में हैं, देन आपको 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप कनाडा में भी नहीं हैं, बाहर से कहीं से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ओवरसीज, जैसे कि इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं, देन आपको 30 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए। ये फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब कैसा कि अगर आपके पास 12 महीने का एक्सपीरियंस है देन 18 महीने के अंदर 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गैप इतना बड़ा बड़ा रहे, जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि वैसे तो पिछले 9 साल से पास आउट हूँ बट 4 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, 5 साल का गैप, मतलब 5 साल का आपका पीरियड है, 5 साल से पास आउट हुए हैं और 4 साल का एक्सपीरियंस है, देन इट्स ओके। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर होना ही चाहिए। जॉब ऑफर लेटर अगर ना हो देन ऑल्सो आप इस प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं जा सकते। देन यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन हैं जो कि खुली हैं, वो ऑलमोस्ट सारी ऑक्यूपेशन खुली हैं, लेकिन कुछ इनएलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट भी इन्होंने निकाली है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन हैं और कौन कौन से ऑक्यूपेशन वहाँ इनएलिजिबल हैं, तो उसकी लिस्ट आप चेक कर लीजिए। अगर आपका ऑक्यूपेशन है देन ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वैसे यहाँ पे NOC, OA, BC और D सारे ऑक्यूपेशन ऑलमोस्ट हैं इसमें, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके लेवल का कोई जॉब है
या नहीं, आपके लेवल का कोई ऑक्यूपेशन है या नहीं, और आखिर में जो एक चीज़ है वो है फंड, वो है कि आपका एनुअल इनकम जो है, मतलब जो भी आपको जॉब ऑफर मिल रहा है उसमें आपका एनुअल इनकम 24,000 होना ही चाहिए, 24,000 कैनेडियन होना ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास 24,000 कैनेडियन डॉलर का एनुअल पैकेज नहीं है देन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे तो ये 25 हम बोल सकते हैं क्योंकि जो मांगा गया है यहाँ पे 24,952 कैनेडियन डॉलर मांगा गया है सिंगल पर्सन के लिए। अगर आप दो लोग जा रहे हैं, मतलब वाइफ हस्बैंड दोनों जा रहे हैं, देन यहाँ पे 35,287 कैनेडियन डॉलर एनुअल पैकेज आपका होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके साथ एक बच्चा भी जा रहा है देन यहाँ पे 43,218 डॉलर होने ही चाहिए, तभी जाके आप इस कनाडा के इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट bncuniverse.co.in उसमें भी विजिट कर सकते हैं, या फिर मैंने लिंक दे रखा है ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है उधर से, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो ये था आज का पूरा वीडियो, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं और भी ऐसे नए नए वीडियोस लेके आऊँ, क्योंकि अभी कनाडा में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं तो नए नए वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो जैसे कि ये वीडियो वैसे तो 14 जून को निकल आना चाहिए था पर थोड़ा सा डिले हो गया, तो आपको अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे देन आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, और आपको ऐसी जानकारी मिलने से आप अपनी फाइल जल्दी पुटअप कर सकते हैं और आपकी फाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सो ये था आज का वीडियो, दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।